टू माय चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए अपने हर्ब गार्डन का एक नया अपडेट लेकर आई हूँ। विंटर सीज़न में चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन से नए नए पौधे लगाए हैं और मेरे पौधे किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी पौधे इसमें लगे हुए हैं दोस्तों, सभी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पालक के पत्ते आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, इतने बड़े बड़े पालक के पत्ते लगे हैं। धनिए का भी आप गमला देख सकते हैं, इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप देखिए धनिए में कई पौधों में तो फूल भी आ गए हैं। ये देखिए, ये 2 महीने पुराना मेरा धनिए का पौधा है दोस्तों, जिसमें बहुत अच्छी तरह से फूल आ चुके हैं। तो धनिया लगाया है मैंने। ये है मेरे मूली का पौधा, जिसका जल्दी ही वीडियो शेयर करने वाली हूँ जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो मूली की पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी दोस्तों, बहुत आसानी से मूली का पौधा घर पर लग जाता है। और ये है मेरे मटर का पौधा, मटर के पौधे का गमला। तो आपको लग रहा होगा अरे इसमें तो धनिए भी लगे हैं और इन धनियों में फूल आ गया और बीज भी आ गए हैं। तो दोस्तों धनिए का गमला मेरा पास में ही था, इसलिए इसमें धनिए एक दो बीजे लग गए हैं। मटर का पौधा देखिए दोस्तों, इतनी खुशी होती है जब भी मैं इसे देखती हूँ। 3 से 4 मटर की फलियाँ इसमें लग चुकी हैं, आपको बहुत ही क्लियर दिख रही होंगी, और कम से कम 5 से 6 इसमें फ्लावर आ गए हैं। और ये मैंने साधारण ये जो कार्टून बॉक्स होता है जिसमें हमारे घर में सामान आता है, बस उसमें मैंने सिर्फ रेत डाली है दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली हमारी रिवर सैंड होती है वो डालकर मैंने धनिए के पौधे लगाए हैं। इसका वीडियो अभी प्रोसेसिंग में है। और ये जो येलो कलर के गमले में दिख रहा है दोस्तों, ये है अजवाइन का पौधा, जिस पे आप लोगों को लगता है अरे ये तो धनिया है, परंतु मैंने अजवाइन के सीड से ही इसे लगाया है। ये है मेरी मेथी की भाजी, जिसे मैंने सिर्फ रेत पर लगाया है। और ये है मेरे मिर्ची के पौधे का गमला, जिसका वीडियो अभी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से मैंने अपने घर में रोज काम में आने वाली सब्जियों को लगा कर रखा है। ये जो गमला दिख रहा है दोस्तों, इसमें मैंने प्याज लगाई थी, जिसका वीडियो शेयर कर दिया है। और बीच बीच में जब मुझे ज़रूरत होती मैं इसकी हरी हरी पत्तियों को काट लेती हूँ और किसी भी रेसिपी में यूज़ करती हूँ, चाहे वो चाइनीज़ रेसिपी हो चाहे हमारा गीला वाला बेसन हो। और ये पत्तियाँ तो बहुत ही मतलब फ़ायदा करती हैं, लाभकारी हैं, बहुत सारे इसमें विटामिन्स भी होते हैं। और ये हरे धनिए का गमला देख सकते हैं दोस्तों, आप मेरे धनिए में आपको सफ़ेद फूल दिख रहे हैं और बीजे भी दिख रहे हैं। तो अब मेरा ये वाला जो गमला है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 महीना पुराना है, मैंने 5 से 6 बार धनिया काट लिया है। यह है मैरीगोल्ड, जिसे मैंने सूखे फूल की माला से लगाया था। यह है तुलसी का पौधा दोस्तों, जिसे मैंने सिर्फ रेत पर उगाना बताया है और इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लैक्टियस लगाना भी मैं बता रही हूँ, ये गमला उसी का है दोस्तों, जो कि वीडियो भी प्रोसेसिंग पर है। साथ ही मैंने एक नींबू का पौधा उसकी कटिंग से लगाया है, जिसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये है मेरे हरा धनिए का हैंगिंग पॉट, एक प्लास्टिक की बॉटल को काटकर मैंने ये पौधा लगाया है। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये मीठा नीम का पौधा है दोस्तों, जिसमें 2-4 हरे धनिए के बीज लग गए थे। और इनके पौधे आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों कि सफ़ेद फूल आ गए हैं और धनिए के बीज आ गए हैं। ये देखिए आपको क्लियर दिखा रही हूँ, मतलब ये तो धनिया लगा हुआ कम से कम 2 महीने पुराना पौधा है मेरा ये, जिसमें धनिए के सीड्स आ गए हैं। और दोस्तों घर के धनिए की तो बात ही अलग होती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही मैंने इसे लगाया है। ये है मेरे लहसुन का पौधा, जिसकी पत्तियों को कम से कम मैंने 4 से 5 बार काट लिया है। लहसुन की पत्तियों का इस्तेमाल मैं मसाले में करती हूँ, बहुत सी रेसिपीज़ में करती हूँ, चटनी में करती हूँ, और लहसुन बहुत आसानी से लग जाता है। ये है पालक की बॉटल, पालक को मैंने सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉटल में उगाना बताया है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हर्ब गार्डन में ये नए नए पौधे हैं। और ये जो पौधा गमला दिख रहा है दोस्तों, इसमें मैंने फिर से मटर लगाए हैं, जो मेरे घर पर ही सादी मटर होती है, सूखी मटर होती है, उनसे लगाया है। ये है मेरे अदरक के पौधे का गमला, जिसके मैंने 3 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। जल्दी ही मैं 4th वीडियो शेयर करके आपको अदरक की हार्वेस्टिंग भी बताने वाली हूँ। तो बस एक हरे रंग का नेट का कपड़ा लगा दिया है मैंने, ताकि जो ठंड के मौसम में बहुत तेज़ कोहरा से भी पौधे मेरे ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा कोहरे से पौधे ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ग्रीन नेट से इन्हें कवर करा है। और इस तरह से छोटी छोटी सी देखभाल करके मैंने इस प्यारे से अपने हर्ब गार्डन को लगाया है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं और अपनी ज़रूरत की सब्जियां घर पर उगा सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।